हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फेस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिप्स ड्रॉ करूँगा। तो मैंने आपको आउटलाइनिंग के टाइम बताया था कि लिप्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पर सही कर लूँगा। तो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इसको ठीक ना करूँ तो जो लिप्स है वो मैच नहीं करेगा। तो गाइस, अब हम ड्रॉ करेंगे टीथ। तो सबसे पहले हम हर टीथ के नीचे और बीच में जो डार्क वाला पार्ट है उनको मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ करूँगा, और फिर बाद में हम 6B या फिर 10B से बिल्कुल डार्क करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल डार्क है। डार्क वाला पार्ट को ड्रॉ करने के बाद अब मैं टीथ को ड्रॉ करूँगा। तो मैं एक एक टीथ को अच्छे से डिटेल में ड्रॉ करूँगा। पहले मैं एक टीथ को अच्छे से कंप्लीट करूँगा, फिर दूसरे टीथ को ड्रॉ करूँगा। तो इस तरह से हम हर एक टीथ में बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। टीथ में जहाँ पर हाईलाइट देना होगा उसके लिए मैं टॉम्बो इरेजर का यूज़ करूँगा। आप नील इरेजर या फिर जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। टीथ को ड्रॉ करने के बाद अब हम अपर लिप को ड्रॉ करेंगे, और लिप्स में हमें कुछ लाइन ड्रॉ करने होंगे। आपको वैसे रेफरेंस में दिख जाएगा कि कहाँ पर आपको लाइन्स ड्रॉ करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का फुल्का जहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करना है। और फिर हम लिप में हाईलाइट देंगे जहाँ पर लाइट ग्रीन से शाइन आ रहा होगा, उस पार्ट में हम हाईलाइट देने के लिए टॉम्बो 08 का यूज़ करेंगे, और फिर बाद में हम ज़्यादा शाइन देने के लिए जेल पेन का यूज़ करेंगे। और जेल पेन को यूज़ करने के बाद हम पेंसिल से हल्का सा मिक्स भी कर देंगे। तो आप देखो किस तरीके से मैं लिप को ड्रॉ करता तो गैस, अपर लिप को मैंने जिस तरीके से ड्रॉ किया है, सेम प्रोसेस से हम लोअर लिप को भी ड्रॉ कर लेंगे।
तो गाइस लिप्स ड्रॉ करने के बाद अब मैं फेस का जो बाकी पार्ट बचा हुआ है उसको ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैं नटराज की एजी पेंसिल का यूज़ करूँगा और पूरे फेस में एक साथ में मैं फर्स्ट दे दूँगा। और पेंसिल को मैंने बिल्कुल पीछे से होल्ड किया है तो इससे मैं बिल्कुल लाइटली शेड कर पाऊँगा बिना प्रेशर के अप्लाई करे। और इसको हम जब मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो पाएगी। पूरे फेस में शेडिंग करने के बाद अब मैं कॉटन से ब्लेंड कर दूंगा और कॉटन से बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। तो गाइस अब मैं फेस में और क्लियर शेड करूंगा और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स की एज पेंसिल। और ये नटराज से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है और इसको भी हमको बिल्कुल अच्छे से बिना प्रेशर लगाए अप्लाई करना है ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आगे आप देखो किस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि सेम प्रोसेस हम ड्रॉ करेंगे, बार बार हम सेम लेयरिंग करेंगे बट हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे ताकि मुझे सेम डार्कनेस मिले। और गाइस चीक्स में भी शाइन प्रोवाइड करने के लिए मैं जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ 05 वाला। और इसको भी अप्लाई करने के बाद मैं मेकअप ब्रश या फिर मैकेनिकल पेंसिल से अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो गाइस अब हम राइट साइड वाला चिक्स को ड्रॉ करेंगे और राइट साइड वाला चिक्स थोड़ा सा ज़्यादा हाइलाइटेड है क्योंकि इस पोर्ट्रेट में लाइट जो वो राइट साइड से पड़ रहा है फेस के ऊपर, तो इसलिए जो राइट साइड वाला पार्ट है थोड़ा सा ज़्यादा हाइलाइटेड होगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और हाइलाइट को देने के लिए मैं टॉम्बोजर इरेजर का यूज़ करूँगा पहले और फिर बाद में जहाँ पर ज़्यादा हाइलाइट प्रोवाइड करना होगा उसके लिए मैं जेल पेन का भी यूज़ कर लूँगा हल्का फुल्का। तो गाइस फेस ड्रॉ करने के बाद अब हम ड्रॉ करते हैं नेक। और नेक हमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ड्रॉ करना होगा क्योंकि फेस के ऊपर लाइट गिरने से नेक पे फेस का शेडो गिर रहा है, इसीलिए नेक थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा। बट नेक में जो बिल्कुल राइट साइड वाला पार्ट है थोड़ा सा हमें वहाँ पर भी हाईलाइट देना होगा क्योंकि वहाँ पर फेस का शेडो नहीं गिर रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।